बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं ये न्यूज़ अभी ये पिक्चर भी आप देख ली, मैं यहाँ पर अच्छा पिक्चर आपको बड़ी करके भी दिखाता हूँ और मुकम्मल डिटेल इसके मुतालिक बता देता हूँ। मैं अभी ये पिक्चर ये सॉरी न्यूज़ पढ़ रहा था और ये पिक्चर देख रहा था, तो मैं खुद से ना अपना अभी जो रिकॉर्ड करने से पहले अपने वैसे ना कैमरा वगैरह देख रहा था, ठीक है ऐसा कुछ निज़ाम वो। अच्छा ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया में भाई ये एक न्यू कानून मुतारफ़ करवा दिया गया जिसके तहत आपको 3 साल की कैद और जुर्माना भी होगा। अच्छा जुर्माने के मतलब क्लियर नहीं किया गया कितने हज़ार रियाल का, लेकिन 3 साल जेल के मतलब क्लियर कर दिया गया है। अभी मिस्टेक कौन सी है, एक छोटी सी मिस्टेक है। अच्छा आपने जद्दा में मैंने रखा रख चुका हूँ अभी बनी मालक में मैंने एक ऐसा सीन भी देखा है। वैसे तो बहुत से सीन देखने को मिलते हैं जो भाई सऊदी में रहते हैं, खासकर जो आज़ाद हैं जी, वो तो बहुत से सीन देखते हैं। अच्छा मैंने जो खुद से एक सीन देखा है वो जी रात 12 बजे के बाद मैं अक्सर बाहर रूम के बाहर बैठ जाता था, यानी कि जिस गली में हमारा रूम था ना उसके बाहर गली में बैठ जाता था, एक दीवार के साथ थोड़ी जगह बनाई हुई थी, वहाँ पर काम वगैरह करता रहता बैठा ही थी, तो 12 बजे तक मैं बैठा रहता था अक्सर, तो हालांकि काले भी पड़ जाते हैं मुझे पता है। अच्छा बहरहाल सेफ्टी थी थोड़ी इसलिए बैठ जाता था। अब बात यह क्या जी कि 12 बजे से एक लड़का ना वॉक शुरू कर देता था, उसने ना एक निकट डाली होती थी बिल्कुल फिट एक टुकड़ों तक और ऊपर फिट सी एक टी शर्ट और बिल्कुल पतला सा ऊपर उसने ना अपने बाल ऐसे पीछे को बनाकर इधर पोनी डाली होती थी, उसकी चाल इस टाइप की होती थी थोड़ा तो बहरहाल बंदों को घेरता था। जो सिंपल बात में अगर बता दूं आपको तो है काला सुडानी मुझे लगता था, या बहरहाल किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहिए यार किस कंट्री का था, बहरहाल जो भी है जी। तो बात क्या जी उस जैसा, ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, उस जैसा कोई भी ड्रेस आपने आप परदेसी हैं चाहे सऊदी हैं चाहे किसी भी कंट्री से, अच्छा खासकर इसमें फिलिपिन जो लड़के हैं वो आते हैं जी, पाकिस्तानी तो मुझे पता है जब दिहाड़ी से आते हैं क्या हालात होते हैं उनके, मैंने खुद से की हुई है यार। अच्छा बात ये है जी कि आपने अगर उस जैसे को एड्रेस यानी कि जो लड़कियों से मुशाहबत रखता हो, आपने अपने बालों का स्टाइल कुछ इस टाइप का बनाया हुआ है या आपने अपना ड्रेस वगैरह कुछ इस टाइप का किया हुआ है या आपकी चाल माल ऐसे है जी, आपने फैशन कुछ इस टाइप का किया हुआ है जिससे आपकी जींस आप लगे ना कि आप मर्द हैं, यानी कि औरत है तो उसने कुछ ऐसा ड्रेस किया हुआ है जो मर्द जैसा लगे। यहाँ एक छोटी सी बात आपको और बता दूँ, आप भी बोलेंगे यार ये गप्पे मारने बैठे, लेकिन गप नहीं है उस कुंबिल्ला है, ये हकीकत है, मैं आप साथ सच बोल रहा हूँ ठीक है। मैं मक्का में शौकिया और शौकिया में लगे हुए थे हम, तो वहाँ से रोज़ जिस अमारे के बाहर में काम कर रहा था वहाँ पर 7-8 दिन हमारा काम चलता रहा, तो रोज़ एक उस अमारे से लड़की निकलती थी, एक लड़का निकलता था और गाड़ी लेता था और सीधा, मैंने ना उसकी गाड़ी से हिसाब लगाया कि रेड कलर की गाड़ी है, गाड़ी में कुछ ऐसा जो सिस्टम पड़ा है इसका, वो ये तो लड़की पसंद करती है, ये लड़का है यार। लेकिन एक दिन जब मैंने गौर किया भाई वो लड़की थी उसके यहाँ पर टैटू और मुझे वो फिलिपिन ही लगती थी, लेकिन उसने अपने बाल सब फोल्ड किए ऊपर कैप के अंदर दिए होते, ऊपर कैप रखी होती थी, लड़कों वाला ड्रेस किया होता था। तो ऐसा कोई भी ड्रेस जिससे आप लड़की हैं लेकिन आप लड़का लगे, अगर आप लड़के हैं तो आप लड़की लगे, यानी कि ऐसा कोई भी आपने फैशन किया हुआ ड्रेस ऐसा पहना हुआ है, ऐसी हरकतें हैं आपकी, तो आपको 3 साल की कैद है जी सऊदी अरेबिया में अभी, और इसके ऊपर फाइन भी होगा, फाइन के मतलब क्लियर नहीं किया गया कितना होगा, लेकिन जेल के मतलब क्लियर है। यहाँ पर आप कुछ पिक्चर भी मैंने उसके मतलब बताई है, तो तमाम परदेसी भाई ऐसी कोई भी हरकत मत कीजिएगा, और ऐसा अगर कोई बंदा कोई या कोई बंदी ऐसी हरकत कर रहा है तो उससे भी दूर रहिएगा।